मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल की नेमिंग के बारे में बात करते हैं कि एल्कोहल यदि दिया हो, एल्कोहल मीन्स ओएच ग्रुप लगा हो, कहीं पर भी यदि ओएच ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल यदि प्रेजेंट है तो उसकी हम नेमिंग, उसका आईपीसी नाम, उसका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे, क्या मेथड होगा, क्या उसके रूल्स होंगे, तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको करना है नेमिंग ऑफ एल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से फंक्शनल ग्रुप में जो थे वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके, तो नेमिंग ऑफ एल्कोहल, तो बेटा नेमिंग ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल में क्या होगा कि एल्कोहल का पहला पॉइंट तो आपका ये जनरल फॉर्मूला होगा। जितने भी हमारे एल्कोहल्स होते हैं, जनरल फॉर्मूला, तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे आप CN H2N प्लस 1 और OH। OH ग्रुप प्रेजेंट होगा आपका, जनरल फार्मूला CN H2N प्लस 1 OH। OH ग्रुप लगा हो तो समझिए कि एल्कोहल है। एल्कोहल के लिए आपको सफिक्स क्या यूज करना है, इसके लिए सफिक्स आप यूज करेंगे ऑल, OL, ऑल लगाएंगे। कहीं भी हमारा एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके लिए सफिक्स आपको क्या लगाना, ऑल। और इसके बाद फंक्शनल ग्रुप होगा, तो फंक्शनल ग्रुप आपका एल्कोहल का क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप आपका सिंगल बॉन्ड OH। कहीं पर भी हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है तो आपका एल्कोहल फैमिली का मेंबर होगा और उसके लिए आपको सफिक्स क्या लगाना होगा, ऑल। कहीं भी हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके लिए आपको ऑल लगाना होगा। अब इसके बाद इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला किस तरीके से आप लिखेंगे, तो फॉर्मूले में ये लिया आपने यहां पर एल्केन, एल्केन से ये जो आप ई दिख रहा है ई को आप रिमूव कर दें, ई आपकी रिमूव हो जाएगी और आपका ऐड हो जाएगा। तो जब ई रिमूव होगी और ऐड होगा तो इसे आप लिखेंगे एल्केनॉल, एल्केनॉल। ये जो फॉर्मूला यही कहलाएगा आपका आईपीसी नेम ऑफ एल्कोहल। तो यहां पर आपने क्या देखा कि कहीं भी हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके लिए सफिक्स और लगाना है, यानी एल्केन से आखिरी के ई को रिमूव कर देंगे, ई को हटा देंगे और ई के प्लेस पर ऑल को ऐड कर देंगे। जब ऑल ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, एल्केनॉल। ये जो प्राप्त हुआ यही कहलाएगा आपका आईपीसी है। जैसे 1 कार्बन है तो मेथेनॉल, 2 कार्बन है एथेनॉल, 3 कार्बन है प्रोपेनॉल, 4 कार्बन है ब्यूटेनॉल, ऑल सब में लगता चला जाएगा आपका, सभी में आपको ऑल लगा देना है। तो किस तरीके से इसमें, तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे मान लो ये ले लिया, यहाँ पर हमने लिखा CH3OH, ये ले लिया, तो ये आपका 1 कार्बन है। नंबरिंग आपको वहीं से करनी है जहां से हमारा OH ग्रुप नियरेस्ट हो। तो आप क्या करेंगे, 1 कार्बन है तो 1 के लिए हमने मेथ लिखा, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो एन हो गया मेथेन। अब ये ऑल लगा हुआ है, 1 पर लगा हुआ है, जैसे आप लिखेंगे 1 ऑल। हम आपको पीछे बता ही चुके हैं कि कहीं भी आपका AIEOU और Y दोनों एक साथ आ जाएं, दो एलिमेंट मतलब दो आपके लेटर कहीं भी एक साथ आ जाएं तो आपका पहले वाला लेटर रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर E है और यहाँ पर O, दोनों एक साथ आ गए तो ये E क्या होगी, हट जाएगी आपकी। तो ये हो गया मेथेन 1 ऑल, ये इसी को डायरेक्ट हम लिख दें मेथेनॉल। तो ये जो मिला ये इसकी हो गई आईपीसी नेमिंग इस तरीके से आपका। अब जैसे 2 कार्बन आपने ले लिया तो ये हो जाएगा एथेनॉल CH3CH2OH, तो ये 1 और 2, 2 कार्बन से आपके 2 के लिए मेथ लगाएंगे तो ये एथ आ गया, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो एन लगा देंगे, 1 पर ऑल लगा हुआ तो 1 ऑल। अब आपने देखा कि ई और ए दोनों कहीं भी एक साथ आ जाएं तो पहले वाला हट जाएगा, तो ई को आप हटा देंगे तो एथेनॉल एथेन 1 ऑल हो गया, या इसी को हम क्या लिखते हैं एथेनॉल, ये आपका। तो ये इसकी नेमिंग हुई। और जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका,
चलिए रब करें, चलिए लेवल बढ़ाते चल रहे हैं। अब देखिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स वगैरह इसमें, बहुत ही प्यारे एग्जांपल प्रैक्टिसिंग की करनी है। आईपीएससी आपकी नेमिंग प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आएगी बेटा। तो इसमें आपने थोड़ा सा इसका कॉमन नेम के बारे में भी जान लें, आईपीएससी के साथ साथ कॉमन नेमिंग वगैरह जो होती है उसमें एल्काइल एल्कोहल लगा देते हैं। कॉमन नेमिंग जो होगी एल्काइल एल्कोहल, जैसे आपने ये लिया सी सी सी, यहाँ ओ एच ले लिया, नंबरिंग आपकी 1 2 3, 3 कार्बन हुए तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो आ गया एन, और 2 पर लगा हुआ ये तो 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल हो गया आपका। अब प्रोपेन 2 ऑल है, इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ऐसे आइसोप्रोपाइल, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी को ये हमारा प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, इसे प्रोपेनॉल। अब यदि यहां पर हमने OH लगा दिया ऐसे, यहां OH अटैच कर दिया CH3, यहां पर H2, यहां पर H2, तो ये हमारा जो है ये भी क्या है, प्रोपेन वन ऑल, ये आपका या प्रोपिनॉल कह दें आप, प्रोपिनॉल हो जाएगा। ये स्टेट चेयर में प्रेजेंट है, इसे कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, ये इसका हो गया। तो इस तरीके से आपका आइसो नॉर्मल किस तरीके से आपको यूज करना है उनके बारे में। और जैसे हमने 4 कार्बन लिया, अब इसका हमने क्यों बताया, कभी कभी वो क्या करते हैं जे वगैरह पूछ देता है कि आईपीएससी मतलब किसकी निकाले, व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ एन प्रोपाइल एल्कोहल, यानी एन प्रोपाइल एल्कोहल का आईपीएससी नेम क्या होगा, या व्हाट इज आईपीएससी नेम ऑफ आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल का आईपीएससी नेम क्या होगा। तो आपको ये देखना है कि आइसो प्रोपाइल का स्ट्रक्चर तो आपको मालूम है, जब स्ट्रक्चर मालूम होगा तभी आप लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। तो यदि ये कंडीशन है OH ग्रुप आपका बीच में लगा हुआ है तो उसे हम आइसो लिखेंगे, यदि कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो वो हमारा क्या होगा, प्रोपाइल होगा। तो स्ट्रक्चर बनाना कॉमन नेमिंग आना बहुत आवश्यक है। जैसे ले लिया हमने यहाँ पर 4 कार्बन से, तो 1 2 3 4 बैलेंस हमने किया ऐसे 4 कार्बन, इसका नेम क्या लिखेंगे आप, ब्यूट एन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल हो गया, यानी ब्यूटेनॉल कह सकते हैं। और वैसे नेम लिखेंगे इसका कॉमन नेम, तो नॉर्मल और 4 कार्बन से ब्यूटाइल एल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल स्टेट चेन में प्रेजेंट है। यदि इसी को हम साइड चेन के फॉर्म में लिख दें, ऐसे आपने ले लिया, यहाँ पर हमने जो है सी कर दिया, यहाँ हुए नंबर 1 2 3 हो गया, कार्बन बैलेंस करेंगे तो CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H2, यहाँ पर H3। इसका जब आईपीएससी नेम लिखेंगे तो आईपीएससी नेम इसका क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल और कार्बन 3 है तो प्रोपेन 1 ऑल हो गया। लेकिन वैसा नाम लिखेंगे इसका कॉमन नेम जो होगा तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। अब दे दिया जाता है कि आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल का आईपीएससी नेम क्या होगा, व्हाट इज आईपीएससी नेमिंग ऑफ आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल के लिए आप स्ट्रक्चर ही नहीं बना पा रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं आपको आता है तो आप इसकी आईपीएससी कैसे करेंगे। तो ये वगैरह इस तरीके का क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज आईपीएससी नेम ऑफ आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, तो इसीलिए इसकी कॉमन नेमिंग जानना बहुत आवश्यक है। ये हमारी क्या है, कॉमन नेमिंग, ये क्या है नॉर्मल, कॉमन नेमिंग, आईपीएससी ऊपर लिखी आपकी है। और देखिए आपकी तो आईपीएससी के साथ साथ कॉमन नेमिंग भी आपको आना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसी में दे दिया हमने इस तरीके से आपका सी सी सी, यहां आपने जो सी और यहां पर OH लगा दिया, तो जब OH ग्रुप के साथ में OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो उसके साथ यदि 3 आपके एल्काइल ग्रुप अटैच है, 3 मतलब कार्बन, तीनों साइड देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ इस साइड कार्बन है, इस तरफ है, इस साइड है, जब तीनों और कार्बन हो तो आपका टर्सरी होता है, इसका नेम होगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और आईपीएससी नेम लिखेंगे तो 1 2 3 हो गया आपका, तो इसे लिखेंगे 2 मिथाइल
और थ्री कार्बन से तो प्रो एन टू ऑल, ये हो गया। लेकिन कॉमन नेम जब लिखेंगे इसका, तो कॉमन नेम होगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम। अब इसे पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल यदि आपको नहीं मालूम है स्ट्रक्चर तो आप नहीं कर पाएंगे इसको, तो ये आपका कॉमन नेमिंग इसके लिए आवश्यक है। और जैसे हमने लिया यहां पर, यहां वो इसका दिया, यहां आपने, अब इसका जब लिखेंगे आप, तो इसमें नंबरिंग पहले आप देखें कहां से करेंगे। अब नंबरिंग आप ऐसा करेंगे कि आप 20 से कर देंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ऐसे मिलेगी, तो ये 1, ये 2, 3 और ये 4 कार्बन से, तो 4 के लिए हम ब्यूट लगाएंगे, तो ये ब्यूट हो गया। सिंगल बॉन्ड के एन तो ब्यूटेन, 2 पर ऑल लगा हुआ है तो 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल हो गया आपका। अब जब कॉमन नेम लिखेंगे तो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से, यहाँ सिंगल एच होगा क्योंकि यहाँ इसकी वैलेंसी 1, 2, 3 और 1H, 4 हो गए। अब OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो, उसी दोनों साइड आपका कार्बन अटैच हो, तो वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। OH लगा हुआ है तो ये हो गया एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से आपको, और जैसे अब हमने ये लिखा ऐसे, इस तरीके से यहां पर OH अटैच कर दिया, यहां पर हमने डबल बॉन्ड कर दिया, नंबरिंग आप यहीं से करेंगे जहां से OH ग्रुप नियरेस्ट होगा, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। अब ये 3 पर हमारा ये लगा हुआ है 4 5 कार्बन से, टोटल 5 के लिए हमने लिखा पेंट, पेंट लिख दिया। और इसके बाद जब पेंट लिखेंगे फिर आपको क्या करना है, 3 पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पेंट 3 इन हो गया और 5 कार्बन से, और 2 पर ऑल लगा हुआ है तो ये हो गया हमारा 2 ऑल, पेंट 3 इन 2 ऑल, ये इसकी नेमिंग हो गई। और जैसे ये लिया हमने यहाँ पर हमने टेस्ट कर दिया CH3, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर आपका C और OH। अब इसमें आप देखेंगे कि नंबरिंग किस तरफ से आपको करनी है, यहाँ कोई एच नहीं होगा, यहाँ पर सिंगल है, नंबरिंग पीरियडिक किसको देनी है, OH ग्रुप को, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। अब 3 पर मिथाइल लगा हुआ है तो लिखेंगे आप 3 मिथाइल हो गया, और 5 कार्बन से हेड है तो 5 के लिए लगाएंगे हम पेंट। अब 4 पर ही आयन लगा हुआ तो पेंट 4 आयन, और 1 पर और लगा हुआ है 1 और। अब यहां देखा आपने ई और ओ दोनों एक साथ हैं तो ये वाली ई क्या होगी, हट जाएगी आपकी, तो ये इसकी आईपीसी नेमिंग है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, और आगे आपका अगला एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे हमने OH ग्रुप आपके 2 अटैच कर दिए, यहाँ पर आपका CC, यहाँ OH अटैच किया, यहाँ अटैच किया आपने, यहाँ बैलेंस किया हमने तो CH2, यहाँ बैलेंस किया CH2, तो नंबर 1 और 2 दोनों पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एथेन 1, 2 डाई ऑल, 1, 2 डाई ऑल। यदि आपके 3 कार्बन हैं CH2OH, CHOH और CH2OH, नंबर 1, 2, 3 तीनों पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, 3 के लिए लिखेंगे हम प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल, ये हो गया। और जैसे साइक्लिक कंपाउंड आपने ले लिया, ये साइक्लिक कंपाउंड लगा दिया, इसमें आपने यहाँ OH अटैच कर दिया, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, तो ये लिखेंगे आप साइक्लो, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1 ऑल, ये हो गया। तो कहीं भी आपका साइक्लिक कंपाउंड है उसमें यदि आपका OH ग्रुप दिया हुआ है तो उसमें आपको और लगा देना है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए तो आप जानते हैं कि साइक्लो लगाते हैं। और ऐसे हमने डबल बॉन्ड मान लो इसी के साथ अटैच कर दिया, यहां पर ये, यहां हमने ओ और एच कर दिया,
तो कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्किन के लिए होगा, ओएच प्रेजेंट है तो ये हमारा एल्कोहल है, तो पीआरटी किसको ज्यादा रहती है, ओएच को। तो नंबर 1 यदि ऐसे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 पर मिलेगा, और 1 2 करते हैं तो यहीं पर मिल जाएगा। तो हम ये प्रयास करते हैं कि ओएच के साथ में जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट पोजीशन मिले। तो ये 1 फिर ये 2 3 4 5 6 हो गया, तो क्या लिखेंगे इसके लिए आप, साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो लगा दिया, सिक्स कार्बन है तो हेक्स लगा दिया, 2 पर इन लगा हुआ है तो 2 इन कर दिया, और 1 पर ऑल लगा हुआ है तो 1 ऑल कर दिया हमने, 1 ऑल, ये इसकी नेमिंग हो गई आपकी, यानी साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल, ये आप। और इसी तरीके से कहीं भी आपका किसी प्रकार का कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जैसे आपने ये ले लिया 4 कार्बन से यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर हमने OH अटैच कर दिया, यहाँ पर हमने CL कर दिया, तो अब इसकी आप क्या करेंगे, पहली पोजीशन इसी को देंगे तो 1 फिर ये 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 पर हमारा CL लगा हुआ है तो 3 क्लोरो और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो हो गया, 4 कार्बन से तो ब्यूट हो जाएगा, और 1, 3 यहाँ पर हमारा 1 पर लगा हुआ है और आपने काउंटिंग किया तो 1, 2, 3 3 पर लगा हुआ है तो 1, 3 डाई ईन हो गया, डाई ईन, और फिर 1 ऑल हो गया। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, पहले कार्बन से लगा हुआ है और तीसरे पर लगा हुआ है तो 1, 3 डाई ईन हो जाएगा, और 1 पर ऑल लगा हुआ है तो आपका 1 ऑल हो जाएगा। इसके बाद और जैसे आपने लिया ये ले साइक्लिक कंपाउंड अटैच किया, यहाँ पर सी सी ये OH, अब यहाँ पर हम मेन कार्बन चेन किसको मानेंगे, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप इसके साथ तो है नहीं, तो नंबर 1 और 2 हो गया। अब 2 पर ये लगा हुआ था, ये हमारा क्या हो गया, एज ए साइड चेन हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, तो 2 पर अटैच है, जैसे लिखेंगे आप 2 साइक्लो प्रोपाइल, और कार्बन 2 है तो 2 के लिए लिखा हमने एथेन, 1 ऑल, एथेन 1 ऑल, रब करें, रब करते चले। और इसके बाद अगला आपने दे दिया साइक्लिक कंपाउंड लिया इस तरीके का आपका, इसमें आपने यहाँ पर OH अटैच कर दिया, यहाँ पर आपका ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड अटैच कर दिया, तो इसकी आप नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 फिर ये 2 और ये 3। अब 2 पर हमारे ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसे आप क्या लिखेंगे, 2 डबल बॉन्ड लगा हुआ 2 कार्बन से, तो इसे लिखेंगे आप एथाइल एथिनाइल, और साइक्लिक कंपाउंड है ये हो जाएगा साइक्लो, और 3 कार्बन से तो प्रोपेन 1 ऑल, इथेनाइल हो गया। इथेनाइल क्यों हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के लिए आप एथ लगाते हैं, मतलब एक 2 कार्बन के लिए एथ लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, इथेन हो गया। और कार्बन की साइड चेन कहीं पर उसके आगे में वाई ऐड कर दें तो वाई ऐड किया, अब यहाँ पर वाई और ई दोनों एक साथ है तो ये ई आपकी रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी, तो इसी को हम क्या लिख देंगे, जब ये हट जाएगी तो ये बनेगा आपका एथिनाइल, यही आपने एथिनाइल यहाँ लिख दिया, ये इसकी नेमिंग हुई। और ऐसे आपने कोई साइक्लिक कंपाउंड इस तरीके का लिया, यहाँ पर आपका एक साइक्लिक कंपाउंड ये है, यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड अटैच कर दिया, यहाँ पर OH कर दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब इसकी जब नंबरिंग लिखेंगे आप तो क्या मेन चेन किसको मानेंगे आप, जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ ये मेन चेन है तो ये हमारी क्या हो गई, एफ ए साइड चेन हो गई, साइड चेन नंबरिंग आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, 1 पर ये लगी हुई है साइड चेन तो ये 1 लगा देंगे। अब साइड चेन किसकी लगी हुई है आपकी, साइड चेन में क्या लिखा हुआ है, इसमें 1, 2, 3 ये साइक्लिक कंपाउंड है तो ये हो गया आपका साइक्लो, साइक्लो हो गया, 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया आपका। अब 2 पर हमारा, 2 पर ये लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ये लिखेंगे 2 इनाइल, इनाइल हो गया, और ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल,
ये इसकी नेम हो गई। क्लियर हुआ, ये पूरा हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया। फर्स्ट पर प्रेजेंट है तो वन लिखा आपने, अब इसके अंदर भी आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो साइक्लोप्रोप हो गया, थ्री कार्बन से साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोप्रोप, और टू पर ट्रिपल डबल बॉन्ड लगा हुआ था टू इनाइल हो गया आपका, टू इनाइल ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये साइक्लिक कंपाउंड है हमारा तो साइक्लो, और सिक्स कार्बन है इसमें तो हेक्स आ गया। टू पर डबल बॉन्ड लगा हुआ था टू एन, वन पर ऑल लगा तो वन ऑल कर दिया, थी इसकी आईपीसी नेम हो गई। तो इस तरीके से आपका और भी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। इसमें मेन चेन किसको लेना है, जहां पर आपका OH ग्रुप अटैच है, जिसके साथ OH लगा हुआ है वही हमारी मेन चेन माने गया। जैसे हमने साइक्लिक कंपाउंड में ये ले लिया, ऐसे ये लगा दी, यहां पर आपने OH अटैच कर दिया, तो मेन कार्बन चेन हम किसको मानेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, ये मेन कार्बन चेन है और ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन हो गई आपकी। तो नंबर 1 2 3, अब ये 1 पर हमारा साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है तो इसे लिखेंगे 1 साइक्लो, और 6 कार्बन है तो हेक्साइल, हेक्साइल हो गया आपका। और इसके बाद ये भी साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो, 3 कार्बन है तो 3 के लिए लगा दिया आपने प्रो एन, 1 और 1 और हो गया आपका, जहां पर प्रेजेंट हो आपका वही पोजीशन आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये नेमिंग थी। इसमें साइक्लिक कंपाउंड लेकर के हम चले और सिंपल भी चले, तो सिंपल से लेकर के लेवल बढ़ाते चले गए, फिर भी अब आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा। अब इसके बाद अगले वीडियो हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये थी हमारी नेमिंग ऑफ एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें और इसको जो है लगाते रहें, वीडियो को देखते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट।